छत्तीसगढ़ प्रदेश में NICL यानी निर्मल इंफ्रा होम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से कंपनी संचालित कर प्रदेश के 13 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली कंपनी के 6 डायरेक्टर को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार करके लाया है। रकम को 2 से 3 गुना करने का झांसा दे करके लोगों को इस कंपनी फंसाया जाता था। राज्य सरकार ने सभी पुलिस अधीक्षकों को चीट फंड कंपनी प्रकरणों की निराकरण के लिए आरोपियों को पकड़ने, उनकी संपत्ति कुर्क करने तथा निवेशकों के पैसा वापस कराने का निर्देश दिया है। पुलिस ने जांच में पाया कि NICL नाम से संचालित की गई चीट फंड कंपनी ने प्रदेश में 13 करोड़ की ठगी की है। इस कंपनी में 6 डायरेक्टर हैं जो उड़ीसा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में पहले ही बंद कर रखा है। प्रोडक्शन वारंट पर सभी को बिलासपुर लाया गया है। इस कंपनी के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में दर्जनों केस पहले दर्ज हो चुकी है। कंपनी संचालकों ने खरोरा, तिलदा, बालाघाट, खंडवा, राजगढ़, देवास, भोपाल, भिंड, मथुरा, महाराष्ट्र और अहमदनगर पर जमीन खरीदी की थी। अब शासन कुर्क करने की कार्यवाही कर रही है। इस मामले में अभिषेक सिंह चौहान उम्र 37 वर्ष, हरीश शर्मा उम्र 33 वर्ष, निरंजन सक्सेना उम्र 43 वर्ष, लखन सोनी उम्र 35 वर्ष, प्रबल प्रताप सिंह उम्र 38 वर्ष, आशीष चौहान उम्र 36 साल को गिरफ्तार करके बिलासपुर लाया है। सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं।